आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपर्ट सीरीज में। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके जो प्रोग्राम अभी चल रहा है उसमें मुझे भाग लेने में, या मेरा कुछ यात्रा, संगीत यात्रा के बारे में कुछ कहने के लिए आपने जो मुझे बुलाया है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। पंडित जी, आपकी माता जी का आपके शास्त्रीय संगीत का ये जो पूरा करियर है, इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब आप छोटे थे, उन्हीं से आपको संगीत आया है उनकी ओर से ही, तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा आपका बचपन, आपके माता जी का आपके संगीत में योगदान, उसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, मेरे माँ घर में गाती थी, तो घर में शास्त्रीय संगीत का वातावरण था। तो जब घर में उस समय में आकाशवाणी जो चलाते थे रोज, तो उसमें रोज दो तीन बार क्लासिकल म्यूजिक का जो चंक था हमारे यहाँ धारा आकाशवाणी से, तो वो प्रसारित होता था। तो बचपन में हम ये सुनते आए हैं, तो इसलिए मुझे माँ से ही पहले शिक्षण, मतलब एक्चुअली माँ क्लासिकल सीखती थी, और यहाँ जो कुंदगोड़ करके जो गांव है जहाँ सवाई गंधर्व जी रहते थे, तो वहाँ खुद भीमसेन जी और गंगूबाई हानगल जी, फिरोज दस्तो जी सीखे हुए गांव है वो कुंदगोड़ हुबली के पास। तो वहाँ हर साल गंगूबाई हानगल खुद वहाँ उनके गुरु जी के नाम से, सवाई गंधर्व जी के नाम से बहुत बड़ा फेस्टिवल करती थी। अभी भी होता है, लेकिन जब वो गंगूबाई हानगल खुद करती थी तो इतना बड़ा कलाकार आते थे, भीमसेन जी हो या पंडित जसराज जी हो, जितेंद्र अभिषेकी जी हो, सब आते थे। तो इसलिए माँ और पिताजी मुझे वहां लेके जाते थे। मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अभी भी याद है, इतना बड़ा कलाकारों को मुझे समझ में नहीं आता था मुझे, लेकिन जो जितना भी मेरे कान में पड़ा है वो माँ से ही है, माँ ही मेरे पहले गुरु थे। जी, फिर उसके बाद अपने गुरु जी के पास सीखने के लिए गए, उस समय क्या उम्र रही होगी और कैसे वो जाना हुआ, और उसके बाद का जो आपका जर्नी था सीखने का समय का? छोटा जो था मैं गाता था माँ का जो भजन, कन्नड़ भजन सुन सुन के गाता था, और आकाशवाणी से मैं इंस्पायर हुआ। तो इसके उसके बाद मेरा आवाज मेरा माँ सुन के तुम बोलने लगे, तुम अच्छा गाती हो, तुम सीखो, और मुझे बहुत इच्छा है कि तुम कुछ बनो। तो वहाँ जो लोकल हुबली मेरे घर के पास जो जो मेरे गुरुजी रहते थे, वो बैंकर जी जो शुरुआत में बैंकर मास्टर मतलब वो एक टीचर थे, तो उनके पास मैं शुरुआती का जो सारेगामा पधनिसा, सरली, जंटी, अलंकार ये जो होता है, तो वो सर थे, वो उनके पास मैंने कुछ महीने सीखा। तो उसके बाद मैं सुरेंद्र सा नाकोड करके जो अभी भी है 93 एज के है, बेंगलुरु में रहते हैं, तो उनके पास मैंने करीब 1.5 साल कुछ लक्षण गीत, यमन का, भीम पलासी का, और शंकरा का, भैरव का, भागेश का, ऐसा मैंने छोटा छोटा सीखा। तो वो बाद में चले गए बेंगलोर। तो उसके बाद उनके जो बड़े भाई थे पंडित अर्जुन सा नाकोड जी, बहुत बड़ा कलाकार थे, तो उनके पास मैं करीब 12 साल तक पूरा शास्त्रीय संगीत सीखा। और उनका आवाज का बहुत प्रॉब्लम होता था गुरु जी का, अर्जुन सा नाकोड जी का, तब मेरा एज था सिर्फ 18-19 एज। तो जब आदमी का ग्रो अप होता है उस टाइम में जो चाहिए रियाज और शिक्षण, तो उसी टाइम में उनका आवाज प्रॉब्लम दे दिया। तो मैंने भीमसेन जी के जो शिष्य थे पंडित श्रीपति पाडेगार जी, तो उनके पास मैं गया और गुरु जी को कहा ऐसा ऐसा मेरा प्रॉब्लम है, मुझे सीखना चाहिए। तो उनके पास जब तक हो थे तब तक मैं काफी सालों से सीखा उनके पास। तो अगर हम किराना घराना की बात करें, तो बहुत सारे गायक, बहुत अच्छे अच्छे गायक, पुराने गायक और उनकी गायकी रही है, आपकी भी अपनी खुद की एक गायकी है, तो मैं सबसे पहले तो चाहूंगी कि आप अपनी गायकी के बारे में कुछ विस्तार से बताएं,
देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं छोटा था तो मुझे भीमसेन जी का गाना बहुत अच्छा लगता था। ये करीब मैं बोलता हूँ 86-87 में जब भी भीमसेन जी हुबली में आते थे तो मेरे माँ लेके जाती थी उनके कॉन्सर्ट सुनाने के लिए। तो घर में आके मैं उनके जैसा हाथ और आवाज, वो स्टाइल, वो सब रिपीट करने के लिए सोचता था। तो उनका गाने से ही मैं सुन सुन के बड़ा हुआ। तो मुझे वही गायकी जो किराना घराना का गायकी है, बाद में जब मैं जैसे बड़ा होता चला गया तो अब्दुल करीम खान साहब का मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो मिठास और वो आवाज में जो सुर है वो मन को छूता है, और वो फीलिंग है, एक इमोशनल है स्वर में, तो मुझे बहुत पसंद हुआ। और ऐसा एक दिन आया कि जो अर्जुन सनाकुर जी मेरे गुरु जी थे, उनका आवाज भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे जबरदस्ती चेंज करना ही पड़ा। जो मुझे मतलब चाहिए था, भीमसेन जी की गायकी चाहिए था और वो किराना घराने का स्टाइल चाहिए था, तो मैंने जो मेरे गुरु जी थे पंडित श्रीपति पाडेगर जी, तो उनको मैंने आपसे कहा कि मैंने रिक्वेस्ट किया गुरु जी ऐसा ऐसा हुआ है तो मैं क्या करूं, नहीं नहीं तुम आ जाओ शुरू करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ये कहा गया सुरों के साथ कैसे जुड़ना है, और किराना घराना मेन है वो सुर का काम, सुर में मतलब सुर का आनंद लेना और स्टेप बाय स्टेप आलाप करते जाना है। तो वो सब मुझे, जो भी मेरा गायन था पहले का, उन्होंने उसमें थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करने लगे रोज रोज, एक एक एक। पहले बोलते थे कि देखो पहले तानपुरा से जुड़ना चाहिए, मतलब जैसे सुई रहता है उसमें से जो दाग निकलते हैं ना, ऐसा वो सुर जाना चाहिए। ऐसा सुनो तुम अब्दुल करीम खान साहब का, सुनो रोशन आरा बेगम जी का, सुनो इसका सुर लगा रहता है। तो वो सब उन्होंने चेंज कर दिया। तानपुरा सुन सुन के गाना चाहिए, तानपुरा को बीच में छोड़ना चाहिए, जितना भी हम आलाप करेंगे वैरायटी करेंगे, फिर मेन जो सा है उसमें फिर लैंड करना है। आप कौन सा भी राग गाओ, यमन गाओ, पूरा कल्याण गाओ या भैरव गाओ, जो भी राग गाओ उसमें जितना भी वैरायटी करो, जितना भी फ्रेसेस करो, तो फिर मेन जो सुर है वो छोड़ना चाहिए, नहीं चाहिए वो, तो बार बार दिखना चाहिए, तो डेवलपमेंट होता है। जैसा बिल्डिंग हम उभारते समय पहले फर्स्ट जो काम रहता है वो, बाद में एक एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय जब जैसे हम बिल्डिंग को बनाते हैं ऐसा ही है, तो उसको फुलाते जाना है रागों को। ऐसा उन्होंने बहुत अच्छा कहा। उसके बाद में भी खुद में गुरुजी बोलने के बाद भी मैंने फुल स्टडी किया अब्दुल करीम खान साहब का, तो था ही मेरा मन में, और आमिर खान साहब, सर आमिर खान साहब इंदौर घराना, और वो अब्दुल कलम, अब्दुल वहीद खान जी के पास भी वो सीखे थे। तो मेरे गुरुजी को, मेरे गुरुजी बोलते थे कि आप उनका भी सुनो, पहले सुनो तो मनन होना चाहिए, मनन चिंतन रागों के ऊपर। तो मैंने भी खुद का मैं बहुत विचार किया, एक राग गाते समय कितना समाधान होना चाहिए, पहले वो रागों को समझो, बाद में वो मनन करो, आराम से वो गा सकते हैं। तो इसके ऐसा ही मेरा एक्चुअली एक एक राग डेढ़ डेढ़ घंटा, वो मैं मुझे सबसे पहले वो बहुत आदत था शुरुआत में। तो कोई अगर छोटा प्रोग्राम में रखे तो मुझे वही आदत था, एक राग डेढ़ डेढ़ घंटा। अभी बाद में जैसे जैसे जो लोग इतना पेशेंस से सुनते नहीं है, जी पहले जमाने जैसे आपको पता है आमिर खान साहब एक एक राग डेढ़ डेढ़ घंटा ऐसा, तो जी वो आदत था। बाद में कुछ मुझे कमेंट्स मिला, नहीं आप रॉक पे थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, 45 मिनट्स तक ही गाइए या 35 मिनट्स तक गाइए, तो ऐसा जैसे श्रोता उनका टेस्ट रहता है ऐसा ही हमको जाना चाहिए, जी बदलना चाहिए। बदला है बहुत, काफी बदला है। कितना 50 ईयर्स पहले का जो था, 100 साल पहले का जो था, अभी का जो है, बहुत मतलब बदलते रहे गए। तो मैंने खुद विचार करके मैंने बदला गायन में, और
आप, मैंने कहा आपको भीमसेन जी का, मुझे इतना मैं विचार था उनके गाने का, शौक था। उसके अलावा मैंने कुछ रोशन आरा बेगम जी का ताने, अब्दुल करीम खान साहब का वो जो स्वर का इफेक्ट, आमिर खान साहब का और बंदिश का, और बहुत मतलब नज़ारत अली सलामत अली जी का भी सुनता था। सुन सुन के, सबका सुन के मेरा अपना खुद का विचार मैंने वो विचार किया रागों में कि क्या आना चाहिए राग में। तो बस अभी भी मैं कर रहा हूँ, मतलब अभी भी मैं खोजता हूँ रोज और क्या चाहिए इसमें, और क्या कमियां हैं। और आपने दो तीन बातें कही इसमें, एक तो अपने प्रोग्राम को लेके बात की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और दूसरे अपने बात की कि संगीत बदल रहा है, जो पुराना था बदल रहा है, बदलाव हो रहे हैं, पहले जैसा था अभी उसमें परिवर्तन हुआ है। तो पुराने जो गायक थे, जैसे हम उस्ताद आमिर खान साहब का सुनते हैं, अब्दुल करीम खान साहब का सुनते हैं, उनसे के पहले के भी जो गायक थे उनकी गायकी, उनकी गायकी सिर्फ किराना घराने के ही नहीं तो बाकी जो घरानों के हैं, या अभी तो हर कोई, बहुत सारे लोग घराने को पकड़कर भी नहीं चल रहे हैं, तो तब की गायकी और है ना, तो तब की गायकी और अब की जो गायकी में जो बदलाव हुए हैं उनको आप कैसे देखते हैं, उनके बारे में आप कैसा क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है कि कौन से बदलाव, और वो कौन से बदलाव है जो बहुत पॉजिटिवली हमारे संगीत पे उनका इफेक्ट पड़ा, या क्या है ऐसा जो कहीं ना कहीं वैसा ही टिका हुआ होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कहा। जो एक घराना, कौन सा भी घराना हो, आप जो कहा किराना हो या जयपुर हो या आगरा हो, ग्वालियर हो, इतना सब घराना में अपना अपना खुद का पहचान, इतना महान कलाकार हो गए पहचान दे के, तो जो 50 इयर्स पहले या 60 इयर्स पहले जो घराने के ऊपर जो भी था, मतलब दूसरे घरानों का मिक्स नहीं करना है या एक ही घरानों पे टिके रहना है, पहले था सब सच में था। तो बाद में वो जैसा बदलता गया, हाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, भीमसेन जी का जो गायकी था वो तो वो भी अब्दुल करीम खान से उनके सुन के ही वो मतलब ये हुए थे, इंस्पायर हुए थे। तो उनके अलावा भीमसेन जी का खुद का एक आवाज का नेचर भगवान ने जो उनको दिया था, और उनके गुरु जी जो थे सवाई गंधर्व जी का जो गायकी, और अब्दुल करीम खान साहब का और खुद का गायकी, इसके अलावा कुछ तानों में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और केसर भाई केरकर जी का, हाँ खुद हो उन्होंने कहा कि मैं सबसे में कुछ ना कुछ जो अच्छे बातें हैं मैंने मेरे गायकी में वो डालने में मैंने प्रयत्न किया, कोशिश किया। तो कहीं ना कहीं ये तो हुआ है। मेरे गुरुजी खुद बोलते थे कि मतलब भीमसेन जी जो उनके गुरुजी थे वो सिर्फ ऐसा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ नहीं किया कि सिर्फ किराना घराना मेरे गुरुजी का ही मैं फॉलो करूँ, गुरु को फॉलो तो होगा ही, वो तो हमारे ऊपर वो पड़ेगा, सच में पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा दूसरा गायकी का जो भी अच्छे बातें हैं उन्होंने अपनाया, भीमसेन जी खुद वो बोलते थे। ऐसा बढ़ते मतलब वो जैसा जनरेशन गैप होता है ऐसा गायकी में तो चेंज होता ही है। लेकिन मेरे गुरुजी हमेशा बोलते थे कि तुम अभी जो सीख रहे हो तुम्हारा लास्ट ए बैच है, हमेशा बोलते थे आपका जो एज का बैच है वो लास्ट है, आगे ये तो रहेगा ही नहीं, घराना या फीलिंग हो या गायकी हो, थोड़ा दो तीन तान मार लिया, एक बंदिश कैसा भी अभी जो चल रहा है ऐसा ही चल रहा है। वो जो रियाज करने का एक प्रामाणिक, हाँ मैं बोलना चाहूंगा वो तो पहले का छोड़ दीजिए, 60 इयर्स 70 इयर्स का, मेरे गुरुजी जो बोलते थे, मैं एक बात बताना चाहूंगा, खान साहब जो थे इतना स्ट्रिक्ट थे, सवाई गंधर्व जी खुद नाटक जो करते थे उनका ड्रामा कंपनी था वो छोड़ दो पहले, ऐसा बोलते थे वो छोड़ो, तो एक गुरु मतलब वो भगवान समान है, गुरु मतलब क्या है, गुरु जो विद्या देता है उनके सामने बात करना भी डर लगते थे पहले के लोग, हाँ तो इतना स्ट्रिक्ट सवाई गंधर्व जी को मिला,
जो खान साहब ने दिया। बाद में सवाई गंधर्व जी इतना स्ट्रिक्ट थे भीमसेन जी, मतलब वो जो भीमसेन जी को या गंगूबाई हानगल जी जितना भी लोगों ने उनके पास तालीम लिया तो बहुत वो स्ट्रिक्ट थे कि आपको तो पता है भीमसेन जी का जो हिस्ट्री में आता है, जब एक दिन उनको भीमसेन जी को खुद बुखार आया था, उनके पिताजी लेने आए, अरे चलो चलो ये गाने में क्या, क्योंकि वो संस्कृत पंडित थे उनके पिताजी ब्राह्मण, तो ये हमारा विद्या नहीं है, जो हमारा घर का विद्या है वो सीखो, ये गाना नहीं। लेकिन भीमसेन जी बताए कि मुझे गाना ही सीखना है, आप चले जाइए, जो कष्ट होता है, जो कष्ट गुरु देगा सब मुझे मंजूर है, लेकिन गाना आना ही चाहिए। तो उतना स्ट्रगल करके वो भारत रत्न बने भीमसेन जी, उनका खुद का जो साधना रियाज, उतना गुरु जी ने वो कष्ट दिया, मतलब वो परीक्षा किया कि उनको सच में है क्या सीखना। तो देखिए इतना जनरेशन गैप हुआ, उसके बाद जो मेरे गुरुजी थे पाड़ेकर जी, उनके पास जो सीखते उतना कष्ट नहीं, फिर भी उन्होंने बहुत कष्ट उठाया जब भीमसेन जी के पास थे, बहुत बहुत जो भी किस्सा थे वो बताते थे मुझे जब मैं जाता था। तो इसलिए मेरे गुरुजी बोल रहे थे कि ये आपका लास्ट बैच है, बाद में कष्ट उठाने वाले आजकल जमाने में नहीं होगा। अभी जो मैं देख रहा हूँ ऐसा ही देख रहा हूँ, है कष्ट करने वाले भी अभी भी क्लासिकल में यंगस्टर बहुत सच्चा जो क्लासिकल सीख रहे हैं ना, सच में कष्ट करने वाले है, लेकिन जो सच में कर रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्लासिकल करने के लिए, क्योंकि इतना आपको पता है टीवी में इतना रियलिटी शो होता है, वो रियलिटी में होता ही नहीं। है छोटे बच्चे जो है बहुत टैलेंटेड है, लेकिन क्लासिकल में जो मेहनत है जी। और वो गाना सुन सुन के गाना वो अलग बात है, टैलेंट तो है ही, लेकिन रोज 6 घंटा 7-7 घंटा 8-8 घंटा एक ही जगह में बैठ के रियाज करना, आजकल पेशेंस नहीं है किसी को जी। सिर्फ जल्दी नाम चाहिए, जल्दी टीवी में आना चाहिए, क्या है वो टीआरपी के पीछे है। पहले जमाने में कहा टीआरपी था, मुझे तो ये पता ही नहीं था टीआरपी। सिर्फ गुरुजी ने कहा ना रोज 5 घंटा रियाज करो ऐसा ही आना, बस हमको इतना ही पता था। लेकिन आजकल फेसबुक है, अलग अलग मीडिया है, तो कहीं ना कहीं बहुत बदला है, बहुत 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 बदला है। है ऐसा भी नहीं कि पूरा गया, कुछ प्लेसेस है जैसे पंजाब है या कुछ दिल्ली में कुछ संस्था में है या कलकत्ता में है, अभी भी अगर हम 1 घंटा राग एक गाए तो सुनने वाले है, लेकिन एकदम गिने चुने, समझिए 10 मिनट 15 मिनट अगर हम गाए तो इतना बोर हो जाते कि मोबाइल लेके हमारे सामने ही खेलते रहते। इतना प्रोग्राम मैंने देखा, पेशेंस ही नहीं रहा। अभी वो भी समझिए कि 10 मिनट का कोई वीडियो भेजा, कहाँ शुरुआती का बाद में करके फॉरवर्ड करके लास्ट का सुनते, बस हो गया लाइक मिल जाता है। इसके ऊपर हम सब निर्भर है, लाइक के ऊपर, व्यूज के ऊपर निर्भर है। तो घराने का है कुछ यंग आर्टिस्ट मैंने देखा, मतलब मेरे से बहुत कम उम्र के एज के अभी का जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, सच में क्लासिकल रियाज करने वाले बहुत सारे पुना, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, कुछ जो इलाका है बनारस हो या, लेकिन बेचारे वो करने वालों को भी पेशेंस, मतलब पूछते कि भैया क्या करे, इतना जमाना ऐसा आ गया कि क्लासिकल कोई सुनता नहीं, सिर्फ लाइट लाइट लाइट, अभंग गाओ या हिंदी भजन गाओ, इसके ऊपर ही है सब। है हुआ है बहुत, थोड़ा सा खराब भी हुआ है या ऐसा है जी। अभी पंडित जी आपने जब बात की, ये कष्ट वाकई बहुत बड़ा कष्ट है कि 1-1.5 घंटा भी नहीं मिलता है कार्यक्रम में आर्टिस्ट को। एक आर्टिस्ट बिल्कुल, मतलब एक रात की बात क्या करे, टोटल 1-1.5 घंटा मिलना बहुत बड़ी बात है, मतलब वो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको 1-1.5 घंटा मिल रहा है तो क्या इसके लिए। हाँ मानती हूँ मैं कि ऑडियंस अभी उसका टेस्ट बदला है और वो बदला है। हाँ फर्स्ट म्यूजिक है या व्हाटएवर, बिल्कुल, लेकिन क्या क्या हम कर सकते हैं इसके लिए जिससे
ऑडियंस में, श्रोता में वो समझ, वो टेस्ट डेवलप हो, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो इस चीज को समझे, या उस तरह से उसको भी सपोर्टिव एक एटमोसफेयर मिले ले कि वो एक आर्टिस्ट को एक डेढ़ घंटा दे सके और ऑडियंस भी उतना पेशेंस से सुने, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कुछ आर्टिस्ट लोग कुछ कुछ कर सकते हैं? क्या क्या हो सकता है? जी देखिए, कुछ सिटी में ऐसा है कि दिवाली के सीजन में या जो फेस्टिवल होता है, गणपति हो या नवरात्रि हो, तो पहले ही उनका जब ऑर्गेनाइजर का कॉल आते, सर आपका प्रोग्राम है एक घंटा का है, उसमें 15 मिनट क्लासिकल, बाकी सब आप अभंग भजन वही गाओ बस, नहीं 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 वो क्लासिकल नहीं चाहिए। तो मुझे एक समझ में नहीं आता है कि इतना अच्छा क्लासिकल सुनने वाले सिटी में भी आजकल अभंग के लिए लोग सुन रहे, नाट्य गीत सुन रहे या और कोई क्लासिकल सुन रहे, पता नहीं क्या हुआ ऑडियंस को, बहुत कहीं कहीं बार दुख होता है। लेकिन ऐसा भी कहीं आर्टिस्ट है कि नहीं, ऐसा श्रोता है ऑडियंस में, सर हमको भजन चाहिए ही नहीं, जो भी आप 2-2.5 घंटा 3 घंटा गाइए, सिर्फ क्लासिकल, एक आधा लास्ट में कुछ भजन सुनाइए, लेकिन क्लासिकल सुनना चाहिए, ऐसा भी है। देखिए तो सच में कई बार पता नहीं लगता है कि क्या लोगों को सुना है, क्लासिकल सुना है या भजन सुना है। तो देखिए ऐसा, मतलब मैंने कहा काफी सारे चेंजेस इस शास्त्रीय संगीत में हो रहा है, तो इसके बारे में मैं जब सोचता हूँ कि कोई भी अगर प्रोग्राम में लाइट गाने के लिए फोर्स करे, तो मैं सबसे पहले मैं जितना हो सके मैं उतना ट्राई कर रहा हूँ कि नहीं नहीं थोड़ा तो आप क्लासिकल सुनना ही है, उसके बाद हम अभंग हो या आपका जो भी आपको पसंद है भजन हो या और कुछ लाइट में, तो मैं जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को, जो ऑडियंस आते हैं वो बोलते कि नहीं हमको समझ में नहीं आता है, आप जो डीप आलाप करते हो समझ में नहीं आता है, तो कुछ जगहों में मैं वो भी बोल के समझाता हूँ कि नहीं नहीं एक ये राग है, यमन है, एक राजनिश्री है, इसमें ये स्वर है, इसको हम लेके उसको अलग अलग वैरायटी करके फ्रेजेस करके आपको देंगे, वो अच्छा, ये तो बुरा नहीं, आप सुनिए, और ये मेडिटेशन है, आप जो मेडिटेशन करते हैं ये भी एक तरीके से मेडिटेशन ही है, आप आंख बंद करके सुनिए, अच्छा लगेगा, बुरा तो नहीं होगा, बाद में है ही फिर लाइट गाना, तो आप ऐसा उनको कुछ समझा के मैं कोशिश भी किया हूँ। जी जी, किराना घराने की जब हम बात करते हैं तब सुर का लगाव बहुत बहुत ज्यादा महत्व रखता है, स्वर का बहुत इम्पोर्टेंस है, भाव जो है, फीलिंग्स, उसका बहुत महत्व है, तो ये जो भाव है, ये जो स्वर है, क्योंकि संगीत में बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं, वो है स्वर, लय, ताल होता है, शब्द शब्द होते हैं, ठीक है, फिर अलग अलग घराने की अपनी अपनी विशेषता है, गायकी की अपनी अपनी विशेषता है, पर्सन टू पर्सन, एक आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वो डिफर करती है, लेकिन इन सब में एक बहुत बड़ी चीज है जो आप मानते हैं, वो है भाव, वो है स्वर का लगाव। तो ये जब हम करते हैं, तो शास्त्रीय संगीत की अगर हम बात करें तो ये जो भाव है, ये हमारे ऊपर, जब जब एक लिसनर, एक श्रोता इसको सुनता है, तो इसका जो असर है, उस भाव का, उस स्वर का जो असर है, वो कैसा है? वो मतलब उस उससे मन पर, उससे मस्तिष्क पर, उस व्यक्तित्व, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या प्रभाव पड़ता है? सारी टेक्निकलिटीज को अगर हम बाजू में रख दे, साइड में रख दे, और सिर्फ स्वर और उसके भाव की बात करें, तो आप कितना इसको महत्व देते, किस तरह से ये महत्वपूर्ण है एक मनुष्य के शरीर के लिए, मस्तिष्क? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। जो हम मेन जो गाने वाले आर्टिस्ट है, पहले हमको डूबना है उस राग में, उस स्वर में। अगर हम खोए, पहले गाते गाते खोए, तो सामने जो ऑडियंस है उनको जरूर उनके मन तक, उनके जो दिमाग तक, शरीर तक सच में पहुंचता है,
वो क्लासिकल के रूप में हो या अभंग के रूप में हो या भजन के रूप में हो, भाव। और कुछ श्रोता है कि उनको राग का स्वर पता नहीं, हाँ, या पूरा जनश्रेय में म रेगा लेना है या श्री में प रे लेना, ये भी पता नहीं, लेकिन उनको उस स्वर का फीलिंग, वही ऑडियंस में ज्यादा रहते हैं कि पूरा राग के बारे में जानते नहीं, लेकिन सुरों का जो इफेक्ट है वो जानने वाले ही ज्यादा है। हाँ, उनको पता नहीं मुल्तानी में ऐसा है या श्री में रे प लेना है, प रे लेना है, छायानट में रे ग म प रे लेना है, वो पता नहीं। वो सिर्फ जो सीखे हैं, ऑलरेडी सीख रहे हैं, या बहुत ही रागों के ऊपर उनका ज्यादा विचार, मतलब वो ऑलरेडी पता है, तो वही लोग जान सकते हैं ये राग उन्होंने खराब गाया है, ये राग में ऐसा लेना था, ये संख्या ऐसा लेना था। लेकिन जो कॉमन ऑडियंस सिर्फ म्यूजिक अच्छा लगता है, उनको पता नहीं ऐसा ही लेना है, लेकिन उनको जो मन में लगता है वो सुर का इफेक्ट और शब्दों का इफेक्ट, जैसे दरबारी कर्ण में किन भैरन कान भरे हो, या यमन में श्याम बजाए आज मुरलिया हो, या पूरा जनेश्वर में पालिया जनकार, तो वो पकड़ के हम जैसे उसमें आलाप करते हैं तो कुछ श्रोताओं को बहुत अच्छा लगता है। अरे आपको बहुत अच्छा पालिया जनकार, एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई नाच रहे आपके सामने, ऐसा बोलने वाले ऑडियंस है। और उसमें आपका जो भाव था वो शब्दों का क्लियर और उसके उसके अंदर जो सुर का लगाव था बहुत अच्छा था, ऐसा भी सुनने वाले हैं। और कुछ सुनने वाले हैं कि कोई अभंग आए, अरे ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने आके खड़ा हो गया, मतलब उनका कुछ ऐसा। मुझे ऑडियंस मिलते रहते हैं बहुत सारे, जो एकदम उम्र से बड़े रहते हैं, वो आके हमको, सर आज आपने हमको भगवान का साक्षात्कार करवाया, विठल से या कृष्ण से, जैसे आप बाजरे मुरलिया में आप ऊपर सा लगा के गा रहे, तो ऐसा लग रहा है कि कृष्ण आपके सामने खड़ा है, ऐसा ऐसा जो, तो कहीं ना कहीं उनके मन पे, शरीर पे। और कुछ ऑडियंस है कि अरे ऐसा रोंगटे खड़े हो गए सुनने के बाद, वो आपका जो आलाप था सुहिनी में और ललत में, और ऐसा रोंगटे खड़े हो गए, आंख में मतलब पानी निकल गया एकदम, ऐसा आपने छू लिया हमको सच में, ऐसा कुछ ऑडियंस बोलते हैं। तो उसके बाद जो इसका रिजल्ट लिखता है, रिजल्ट निकलता है कि उनको कहीं ना कहीं मन पे वो गाने का असर, वो भाव का असर, शब्दों का असर, सुर का असर, अगर वो समझ नहीं है रागों का पूरा, उनको ज्ञान नहीं, लेकिन वो भाव वो सुर उन तक शरीर पे मन में वो पहुंचा जा सकता है, पहुंच गया है, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। पहले जो संगीत था वो डिवाइन था, मतलब जितनी भी बंदिशें बनती थी ईश्वर के नाम से उनके स्तुति में होती थी। बहुत हुआ तो राजाओं के लिए कुछ स्तुति परक जो गीत होते थे, वो जो बंदिशें होती थी वो शब्द होते थे, जनरली शिव जी के लिए, कृष्ण राधा के लिए। बाद के काल में जो बंदिश बनने लगी उनमें शब्द सास ननंद और उनकी वो झगड़े, फिर ये चाहिए वो चाहिए, तो वो थोड़ा सा जो हमारे घर घुटी मामले होते डोमेस्टिक, वो सब उस बंदिशों में आने लगे। आज भी वही बंदिशें, क्योंकि उनके वो बहुत जो हम उनको कहते हैं उनका कंपोजिशंस बहुत सुंदर है, तो गाई वही जाती है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, इन बंदिशों में जो सास ननंद और ये सब है, क्योंकि गाने वाली हमेशा की स्त्री नहीं होती है ना। सब गायक बहुत अच्छा अच्छा गा रहे हैं आप, बहुत सुंदर, तो फिर ऐसे इसमें क्या इन बंदिशों के शब्द बदलाव की कुछ जरूरत है या नई बंदिशें बननी चाहिए क्लासिकल में? जी, वो तो सही है। कुछ रागों में आपने जो कहा अंतरा में होता है, तो इस तरीके से जो शब्द साहित्य है उसमें इसके अलावा भी बहुत सारे बंदिश है, जैसे राम रंग, जो रामाश्रय झा पंडित, तो इनका बहुत अच्छा, चार पांच बुक में भी गाता हूँ, तो बहुत अच्छा वर्णन है, या कृष्ण का रास लीला का है, या कॉमन भी है, इसके भगवान के अलावा भी कॉमन जो
बंदिश है या कुछ देवी के ऊपर है, देवी देवताओं के ऊपर है, सरस्वती के ऊपर, सरस्वती के ऊपर भी बंदिश है सरस्वती राग में, तो बहुत सारे हैं, कुछ बंदिश ऐसा है आप जो बोल रहे हैं। और आमिर खान साहब उनका खुद का उन्होंने जो कंपोजिशन, बहुत सारे कंपोजिशन है वो आमिर खुसरो जी का, उनका इतना स्टडी था आमिर खुसरो जी के बारे में, तो उनका इंटरव्यू में सुनता रहता हूँ, तो उनका बहुत बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन, खास ये बंदिश तराना हो या और कुछ साहित्य के बारे में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए। और बहुत सारे पंडितों ने बहुत सारे बुक भी निकाला है, और खुद में कुछ बंदिशें मैंने बनाया है, पूर्ण रंग जैसे सदा रंग अदा रंग ऐसा पूर्ण रंग करके मैं बनाने के लिए कोशिश किया, वो भी भगवान के ऊपर, और भगवान के ऊपर तो राम के ऊपर है, कृष्ण के ऊपर है, शिव जी के ऊपर है, लेकिन ये जो तिरुपति बालाजी है आप जानते हैं, तो उनके ऊपर मैंने कुछ बंदिशें बनाया, वो बिल्कुल गाते नहीं, कोई मेरे ख्याल से कोई बनाया भी नहीं है, नहीं नहीं कोई नहीं, बंदिश नहीं बना है, तिरुपति बालाजी, तो वो मैं कुछ हाँ उसके ऊपर मैंने कुछ बंदिशें बनाया सुनने की इच्छा हो गई। हाँ जी मैं थोड़ा सा, अरे बिल्कुल, मैं कुछ आपको एक लाइन में गा के सुनाऊंगा, राग मारवा में मैंने बनाया है, तो तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर उनके ऊपर एक मारवा में मैंने छोटा बंदिश बनाने की कोशिश की है। अर्ज सुनो तिरुमलवासा, अर्ज सुनो है तिरुमलवासा, वेंकट गोविंद हरे श्रीनिवास, वेंकट गोविंद हरे श्रीनिवास, अर्ज सुनो हे तिरुमलवासा, शंख चक्र गदा पद्महात लिए, शंख चक्र गदा पद्महात लिए, विष्णु अवतार गरुड़ पे सवार, विष्णु अवतार गरुड़ पे सवार, पाप हरो रखो भक्तन की लाज, पाप हरो राखो भक्तन की लाज, अर्ज सुनो रे तिरुमलवासा। जैसे किराना घराना के गायके पर कर्नाटक संगीत का बहुत प्रभाव है, वैसे ही बहुत सारे कर्नाटकी राग है जो उत्तर भारतीय संगीत में काफी प्रचलन में रहे हैं। मेरे दादाजी पंडित वल्लभभाई उमरेकर जी ने सरस्वती और बहुत चक्रधर बहुत सारे रागों का यहाँ प्रचलन किया था, तो क्या आप भी कुछ ऐसे राग जो साउथ के हैं, जो कर्नाटकी मूल के राग हैं, वो आप गाने में, आपको गाना पसंद है, आप गाते हैं? देखिए बहुत सालों से ही हिंदुस्तानी संगीत में कर्नाटक की रागों का भी इन्फ्लुएंस रहा है, जैसे सरस्वती है, अभोगी है, हमसध्वनि है, शोभावरी है, और खिरवाणी है,
थिलंग है और बहुत सारे राग हम गाते हैं कर्नाटकी का, और खास किराना घराना में जो अब्दुल करीम खान साहब के, अब्दुल करीम खान साहब के गाने में जो कर्नाटकी का इन्फ्लुएंस है रहा है, तो हम सबको पता है क्योंकि वो मैसूर में खुद जाके उस जमाने में बहुत सारे कर्नाटकी विद्वानों से वो सीखे थे, मतलब इतना प्रभावित हुए थे क्योंकि उनका, उनको कहीं ना कहीं लगा कि इस कर्नाटकी म्यूजिक में डिवाइन है, भक्ति है। तो बाद में खान साहब ने अपना पूरा गायकी में वो पूरा इन्फ्लुएंस ला दिया कर्नाटकी का। तो हम जैसे सुनते हैं उनका जो भी यूट्यूब में रिकॉर्ड्स है, तो किरवाणी हो या ललत हो या तोड़ी हो या कुछ शुद्ध कल्याण हो, शुद्ध बिलावल हो, तो पूरी का इन्फ्लुएंस है प्रियम जी के गाने में वो पता चलता है। और बांदे भीमसेन जी के गाने में और उनका जो भक्ति रचनाओं का जो कन्नड़ में गाने हैं वो सब कर्नाटकी फीलिंग, मतलब वो कर्नाटकी के हरकत वगैरह करके वो गाते हैं, गाए हैं। तो मुझे भी पहले से ही मुझे कर्नाटकी गाने का मतलब वो उसका इन्फ्लुएंस है मेरे गाने में था ही, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो उनका मुर्कियां हो या कटका हो, वो फीलिंग मतलब वो एक वो बहुत अच्छा लगता है। मैं गाने में मैं वो सब इन्फ्लुएंस बीच बीच में मैं थोड़ा सा गाता रहता हूँ। तो इसके अलावा कुछ राग है षणमुख प्रिय, मैं गाता हूँ उसमें, मैंने बंदिश बनाने के लिए कोशिश किया हूँ। और रामप्रिया करके एक राग है, कर्नाटक के राग है रामप्रिया, खुद प्रिय कल्याण करके उस्ताद आमिर खान साहब भी वो गाए हैं, उनका पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में अमीर खुसरो जी का साहित्य लेके उन्होंने गाए हैं। तो मैं भी उसमें एक बंदिश बनाया हूँ, तो ऐसा मुझे बहुत पसंद है। षणमुख प्रिया भी मैं गाता हूँ और उनका कल्याण है, मतलब यमन हमारा वो कल्याण है। तो मुझे वो डिवाइन गाने में लाना हरकत तो मुझे बहुत पसंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला जी मुझे भी। थैंक यू सो मच। अभंग मैं आपको सुनाऊंगा, तो एक मेरा ही कंपोजिशन, मैंने कोशिश किया इसको कंपोज देने में, और बस मैं आपके सामने गाना चाहूँगा। Yeah.
ओ या पुनीत गाओ हरी। तन मन धन हरि सि अर्पुन, तन मन धन हरि सि अर्पुन, तन मन धन हरि सि अर्पुन, घालो लोटांगण आ, घालो लोटांगण भक्ति भावे, घालो लोटांगण, घालो लोटांगण भक्ति भावे, भक्ति स्वामी भणे नाम, स्वामी भणे नाम, स्वामी भणे, स्वामी भणे नाम सार्थक जीवन, स्वामी भणे नाम सार्थक जीवन, हरि सि शरण, हरि सि शरण, जावो निया, जावो निया, हरि रूप ध्यावु, हरि रूप पावु, अखंडित रावु, हरि पाई, हरि पाई, हरि ध्यान, हरि रूप ध्यान, हरि रूप।